दिखाई दे रहा है ये नजारा नागरिक अस्पताल पलवल का है, जहां एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाओं को देने वाले कर्मचारियों को एकाएक बर्खास्त कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मेवात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 2 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने का आदेश थमा दिया। विभाग में वर्षों तक नौकरी करने के बाद एकाएक इस तरह से कर्मचारियों को निकालना कहां का न्याय संगत है। उन्होंने मांग की कि 3 बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लिया जाए। इसके अलावा भी एनएचएम की कई लंबित मांगे हैं, जिन्हें पूरा करने की मांग की गई। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगे भी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी गलत रवैया अपनाए हुए हैं, जिसे लेकर आज प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन आगे भी उग्र होगा, जिसके जिम्मेदार अधिकारी और सरकार होगी। भाई जी, यह है हड़ताल, आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर है यह हड़ताल। हमारे आला अधिकारी MD NHM के खिलाफ, CMO मेवात के खिलाफ है, क्योंकि मेवात में हमारे 2 कर्मचारी साथी, हमारे रेहान जो स्टेट प्रधान NHM है, और एक हमारे ऋषि राज जी जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर हैं, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर उन्होंने प्री प्लानिंग के साथ एक मेल पे भेजकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, क्योंकि जिन्होंने 10-15 साल अपनी सेवा के, अपनी सर्विस के लिए जनता, समाज के लिए, सरकार के लिए दिए, और उन्हें एक छोटे से लेटर पे उन्हें घर बिठा दिया। इसके लिए पूरे हरियाणा में आक्रोश है, क्योंकि यह जो अधिक आला अधिकारी हैं नहीं चाहते कि ये अपनी खुलकर आवाज़ बुलंद करें, कर्मचारी यह चाहते हैं ये दब कर रहे, क्योंकि सरकार हमारे फेवर में पॉजिटिव है कर्मचारियों के हित के लिए, लेकिन ये बीच में अधिकारी ब्रेकर का काम करते हैं सरकार और हमारे बीच में, ना कि